हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ रिकीज किचन। आई होप कि आप सब हेल्दी हैं। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक फ़िश का रेसिपी। इस रेसिपी का नाम है शोल माछेर तेल झाल। ये एक बंगाली डिश है। ये फ़िश जो है इसका नाम है शोल फिश। कोई कोई जगह पे इसे मुरेल फिश भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही फेमस रेसिपी। ये है शोल मछली। देखिए इसका पीसेस जो है मार्केट से ही पीस करवा के लेके आए थे। नमक और हल्दी देके इसे मैरिनेट किए हैं सारे पीसेस को। इसे ये जो है ना मछली, ये एकदम ज़िंदा मिलता है और ये जब एकदम लाइव होता है, ज़िंदा मछली होता है, उसी को ख़रीदना चाहिए। मरा हुआ अगर मार्केट में मिले तो वो आप बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। इसके साथ ही आलू जाएगा इस रेसिपी में। तो बड़ा बड़ा पीसेस में 4 टुकड़ा आलू ले लिया है, साथ ही प्याज को स्लाइस करके ले लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज है और करीब 8 से 10 लहसुन के कलियाँ। सबसे पहले मिक्सिंग ग्राइंडर में एक पेस्ट बना के रेडी करेंगे। ग्रेवी के लिए ये पेस्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले जो लहसुन के कलिए थे जितना भी, वो मैंने ले लिया है। ये जो मीडियम साइज़ का एक प्याज को मैंने स्लाइस करके रखा था, इसका ऑलमोस्ट आधा या 60% आप बोल सकते हैं प्याज मैंने ले लिया है मिक्सिंग जार में। इसके साथ ही डालेंगे करीब 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। अदरक जो है वो ऑलरेडी पेस्ट करके रखा हुआ है फ्रिज में, वही वाला पेस्ट मैंने 1 चम्मच ले लिया है। अगर आप गोटा अदरक ले रहे हैं तो आधा इंच का अदरक का टुकड़ा ले लीजिएगा। देखिए ऐसा पेस्ट, फाइन पेस्ट बना के हमने रेडी कर लिया है। रेसिपी जो है वो मेरे मम्मी बना रही है। मैं आजकल मम्मी के घर में आई हुई हूँ छुट्टियों के लिए, तो मोटा मोटी अभी से लेके करीब महीना भर तक जो भी रेसिपीज़ मेरे चैनल में आएगा वो सारे रेसिपीज़ मेरे मम्मी का हाथ का स्पेशल रेसिपीज़ है। तो खाना जो है वो मम्मी ही बना रही है, मैं बस थोड़ा सा हेल्प कर दे रही हूँ। ये सब रेसिपीज़ जो है इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। शोल मछली मिले तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिले तो सिंपल रोहू कतला या कोई भी फिश मार्केट में मिल जाए जो ताज़ा हो, वो वाला आप मार्केट से लेके आइए और ये रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए बैचेस में सारे मछली का पीसेस जो है वो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, हल्का हल्का फ्राई करेंगे ताकि मछलियों का सॉफ्टनेस और जूसीनेस जो है वो बरकरार रहे। सारे मछलियाँ फ्राई होके हो गया है, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ग्रेवी बनाना मेरा मतलब, वही तेल जिसमें मछली फ्राई किए थे उसी में मम्मी ने डाला है। 1 तेज़पत्ता, 1 सूखी वाली लाल मिर्ची और 3 से 4 हरे इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब इन सारे खड़े मसालों को 10 से 15 सेकंड तक तेल में फ्राई होने देंगे। अच्छा सा खुशबू आना स्टार्ट होगा तब उसमें डाल दिए हैं जो आलू के टुकड़े थे वो। ये 4 आलू के टुकड़े दिए हैं, गिन के दिए हैं, जितने लोग उतने ही आलू के पीसेस। ये सारे चीज़ें आप अपने घर के फैमिली के मेम्बर के हिसाब से दे सकते हैं या अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलू अच्छे से फ्राई हो गया है चारों तरफ से। अब जितना भी कटा हुआ प्याज मैंने छोड़ दिया था, जिसका मैंने पेस्ट नहीं बनाया, वो प्याज डाल दिया है। प्याज को भी आलू के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो घर में अवेलेबल होता है, वही इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। बहुत ही सिंपल ईजी रेसिपी है लेकिन टेस्ट जो है उसका 1 नंबर है। इसे प्लीज़ घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अच्छे से फ्राई हो गया है, सारे चीज़ें गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब जो पेस्ट बना के अभी रेडी किए थे ना प्याज अदरक लहसुन का, वो डाल दिए हैं। अब सारे चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे तेल में। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं और लो तो नहीं। अब तब तक आप फ्राई कीजिए 2 से 3 मिनट तक, तब जब तक कि अदरक लहसुन का रॉ स्मेल चला ना जाए। अदरक लहसुन का रॉ स्मेल जैसे ही चला जाए इसमें डालेंगे सारे पाउडर मसाले। 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है वो कलर के लिए है, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर वो तीखापन के लिए है। इसके साथ ही डाल दिया है 1/2 चम्मच नमक और इस तीखापन के लिए इसमें एक और चीज़ डालेगा जो है काली मिर्च का पाउडर, जो थोड़ा सा लेट से डालेंगे ताकि उसका फ्रेशनेस और गंध जो है वो बरकरार रहे। देखिए डाल दिया है 1 चम्मच
काली मिर्च का पाउडर। अब सारे मसालों के साथ ये जो मिक्सचर है इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जितना अच्छे से आप इसे फ्राई करेंगे उतना बढ़िया मछली का टेस्ट आएगा, मतलब पूरा रेसिपी का ही टेस्ट आएगा। जिस मिक्सिंग बोल में पेस्ट बनाया था वही मिक्सिंग बोल को धो के आधा कप पानी डाल दिया है ताकि जितना भी पेस्ट उसमें बचा हुआ था वो सारा पेस्ट यूज़ हो जाए, कुछ भी वेस्ट ना हो। साथ ही मसाले जल ना जाए इसीलिए थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल कर लिए हैं। मैं हमेशा जब भी कोई ग्रेवी आइटम बनाती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के उसे अच्छे से फ्राई कीजिए, तब तक जब तक कि तेल निकलना स्टार्ट हो जाए, तेल छोड़ना स्टार्ट ना हो जाए। ऐसे ही आप 3 से 4 बार अच्छे से फ्राई कीजिएगा सारे मसालों को। बीच में 1 कप पानी डाला गया था इसमें, अभी आधा कप पानी और डाल दिया है। अब सारे चीज़ों को अच्छे से बॉयल होने देंगे, हाई फ्लेम में इसे बॉयल होने दीजिए। सारे चीज़ें अच्छे से 2 से 3 मिनट तक ऐसे बॉयल होना चाहिए। जैसे ही बहुत अच्छा उबाल आ जाए वैसे ही जो फ्राई किया हुआ मछली का पीसेस है वो इसमें डाल देंगे। हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं इसीलिए तीखापन जो है वो थोड़ा ज़्यादा डाला गया है। तीखेपन जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए। कलर थोड़ा इसका लाल हो तो ही अच्छा लगता है ये रेसिपी, इसीलिए तीखापन अगर आपको कम चाहिए तो कम तीखा ज़रूर डालिए लेकिन कश्मीरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कीजिए ताकि कलर जो है वो बहुत ही बढ़िया आए। देखिए रेसिपी जो है वो 80% वेल डन हो गया है। थोड़ा सा और 5 से 7 मिनट ये बॉयल होगा तो रेसिपी कंप्लीट हो जाएगा। इस स्टेज में डाल रहे हैं इसमें 1/4 चम्मच चीनी। थोड़ा सा चीनी डालना ज़रूरी होता है ताकि फ्लेवर जो है वो बैलेंस हो जाए, लेकिन आपको अगर बिल्कुल भी चीनी पसंद नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। ढक के इसे 5 मिनट तक और लो फ्लेम में पकने देते हैं। देखिए थिकनेस जो है ग्रेवी का वो एकदम परफेक्ट है, इतना थिकनेस हमें चाहिए होगा। ये रेसिपी जो है लंच में सर्व होगा गरम गरम स्टीम राइस के साथ। राइस के साथ रेसिपी सर्व होगा तो इसमें थोड़ा सा ग्रेवी तो चाहिए ही होगा, इसीलिए इतना ग्रेवी हम लोग रखे हैं। साथ ही लास्ट में डाले हैं 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच देसी घी और गैस ऑफ करने से पहले 1 मुट्ठी फ्रेशली कटे हुए हरे धनिया, चॉप किया हुआ हरे धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। बस हो गया है रेसिपी कंप्लीट। गैस ऑफ करके स्टैंडिंग टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा। कोई भी रेसिपी को पक जाने के बाद गैस ऑफ करके स्टैंडिंग टाइम ज़रूर दीजिएगा 5 से 10 मिनट, अच्छे से सेट हो जाए। देखिए इसे प्लेटिंग कर लिए है, कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आया है और टेस्ट तो मैं क्या ही बताऊँ, इतना बढ़िया है कि आप सिर्फ इसी रेसिपी से पूरा का पूरा लंच कर सकते हैं, पूरा चावल का थाली ख़त्म कर सकते हैं। मेरा बात को मानिए और ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा घर में। आई एम श्योर कि आप सबको ये रेसिपी जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। घर में ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल फ्लेवर्स ऑफ रिक्कीज़ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब से लेके कमिंग 1-1.5 मंथ के लिए जितना भी रेसिपीज़ मेरे चैनल में आएगा सारा का सारा रेसिपीज़ मेरे मदर का फेमस स्पेशल रेसिपीज़ है, वही सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।